आज ही के दिन 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा। आज ही के दिन 1938 में भारत के मशहूर हीरो शशि कपूर का जन्म हुआ। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार और 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। आज ही के दिन 1940 में एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें मुसोलिनी ने फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में जर्मनी का साथ देने पर अपनी सहमति जताई। आज ही के दिन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की। आज ही के दिन 1965 में सोवियत संघ के वायुसेना पायलट एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक किया। आज ही के दिन 1978 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत की सजा सुनाई गई। आज ही के दिन 1990 में अमेरिकी संग्रहालय से $500 मिलियन की कलाकृतियों की चोरी हो गई। संग्रहालय ने इन चोरों पर $50 लाख का इनाम घोषित किया। इसके बावजूद इन कलाकृतियों का कुछ भी पता नहीं चला। आज ही के दिन 2007 में उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम बंद करने का कार्य आरंभ किया।